students, standard 10 subject English, unit 3, Mohan and his Veena. Last time we had seen part 1, okay? So today we will see part 2. First we can see glossary. So पहले हम इसकी glossary देख सकते हैं यहाँ पर, okay? Perform का मतलब होता है अदा करना. क्या होता है? अदा करना. Instrument का मतलब होता है साधन. Express का मतलब होता है व्यक्त करना, depth, गहराई. Invent का मतलब होता है खोजना. ओके, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं. Determine यानी दृढ़ निश्चय. Incorporate यानी समाना. Include इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? Include. Technique तकनीकी. Depress तनाव. ओके, तो चलो आज हम इसका आगे का पार्ट टू देख लेते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं. आज ये लेसन फिनिश हो जाएगा पार्ट टू. ओके, हमारा यहां तक हुआ था स्पेंड टू मोर इयर्स विथ गिटार ओनली. ओके, उसके नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वन इवनिंग देयर वॉज गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स. तो एक दिन शाम की बात है कि जो नजदीक के जो फैमिली फ्रेंड्स थे उन सबको सभी लोग घर पे आए हुए थे, मतलब गैदरिंग रखा गया था ताकि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो. इन दिस स्मॉल गैदरिंग मोहन्स ब्रदर सिस्टर एंड नेफ्यूज हु वर ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. तो ये जो छोटा सा जो गैदरिंग रखा गया था तो उसके अंदर जो मोहन के भाई बहन हैं, नेफ्यू वगैरह हैं, जो भी मतलब रिलेटिव जो भी हैं, मतलब ये चाचा चाची के लड़के हैं वगैरह, वो सब तो वो सब के सब इसके अंदर परफॉर्म करने वाले थे. प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट था इनका, जो क्लासिकल शास्त्रीय साधन था, उसके ऊपर वो सभी लोग म्यूजिक बजाने वाले थे. देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएशन. तो वहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट एप्रिसिएशन यानी सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की. मोहन ने भी की. मोहन टू एक्सप्रेस. ओके, तो वहाँ पर उनके भाई बहन या फिर चाचा चाची के जो भी लड़के वगैरह थे, जो भी सब परफॉर्म करने वाले थे, सभी ने परफॉर्म किया. ओके, भतीजे वगैरह ने भी सबने परफॉर्म किया. तो सभी लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की. तो मोहन ने भी वहाँ पर एक्सप्रेस किया. क्या एक्सप्रेस किया? अपनी इच्छा जाहिर की. विश टू परफॉर्म ही प्ले ऑन गिटार. तो उसने मोहन जी ने भी अपनी जो इच्छा थी वो जाहिर की कि वो भी गिटार पर बजाना चाहते हैं. आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, जब उन्होंने अपना परफॉर्म किया, अपनी जो भी गिटार के ऊपर जो उनका रियाज वगैरह जो उन्होंने सभी को सुना बजा कर सुनाया. रिलेटिव है तो एक रिलेटिव ने उन्होंने कहा यू नीड टू वर्क हार्ड. आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है विथ द न्यू इंस्ट्रूमेंट. ये जो आपका नया इंस्ट्रूमेंट है, जो नया साधन है, इसके ऊपर आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है. वन ऑफ द रिलेटिव सेड इफ इट वाज द सितार. दूसरे रिलेटिव ने ये कहा अगर ये गिटार की जगह सितार होता यू एंड वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन विथ योर ब्रदर सिस्टर. तो तुम भी अपने ब्रदर सिस्टर को मात दे पाते, उनके साथ में कॉम्पिटिशन में बराबरी में खड़े रहते. You have already spent 2 years on it, but still this instrument needs more. तुमने already पहले से इसके ऊपर 2 साल बर्बाद किए हैं, लेकिन अभी भी इसको और भी ज्यादा improvement करने की जरूरत है, यानी कि अभी भी और भी तुम्हें रियाज करने की जरूरत है. After his performance, someone said, इसके उनकी performance के बाद किसी एक ने कहा, the sitar sound is like a flowing stream. जो sitar का sound होता है, sitar की आवाज वो बेहतरीन झरने की तरह होती है. योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव दैट डेप्थ. तो जो तुम्हारा ये साधन है उसके अंदर वो गहराई नहीं है. येट अनदर सेड, जबकि दूसरे ने कहा येट अनदर सेड योर ब्रदर प्लेज वायलिन. तुम्हारा जो भाई है उसने वायलिन बजाया. इज सूर एंड तार आर सो ब्यूटीफुल. उसके सूर और तार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही What are you doing with this instrument? तुम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? मोहन वॉज डिप्रेस्ड. अब मोहन बहुत तनाव भरी स्थिति में आ जाते हैं एंड क्राइड फॉर द होल नाइट. और पूरी रात रोते
but from the heart I made for guitar. There is no instrument for me but the guitar he thought. तो उन्होंने सोचा कि लेकिन पूरी दिल से तो मैं इस गिटार के लिए ही बना हुआ हूँ, मैं कोई दूसरा और गिटार बजाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ गिटार ही बजाऊंगा. This instrument will become my face to the world. ये जो instrument है ये पूरे वर्ल्ड में जो मेरा फेस बनेगा यानी पूरे वर्ल्ड पूरे संसार में मैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही फेमस होऊंगा, प्रख्यात होऊंगा. आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है. आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग. ही वाज डिटरमाइंड, मैं इसे अब और भी बड़ा बनाऊंगा और बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाऊंगा. और ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये उनका दृढ़ निश्चय उन्होंने कि मैं इसे बहुत ही बड़ा बनाऊंगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर रियाज करूंगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा. This experience took place when Mohan was only 16 years of age. अब ये कब हुआ? जब मोहन 16 साल के थे. It was the turning point of his life. ये उनके जीवन का पूरा बदलाव था, यानी उनके लाइफ का एक बदलाव की स्थिति थी. He doubled his riyaz and practiced for about 10 hours per day. उन्होंने अपना रियाज को दोगुना कर दिया और दिन के 10 घंटे वो प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे. He also studied other aspects of the guitar. उन्होंने गिटार के दूसरे जो भी एस्पेक्ट थे, दूसरे जो भी भाग थे, उसका भी क्या किया, स्टडी की, बहुत पढ़ाई की उसके बारे में. He decided to incorporate the speciality, technique and sound of every instrument into the guitar. उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि जो जो दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी जो साउंड है यानी उनकी जो आवाज है, उनकी जो धकनीकी है, उसको भी मैं इस गिटार में उपयोग में लूंगा. He wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like the Indian veena. तो वो ये चाहते थे कि जो भी मैं वेस्टर्न जो भी गिटार भले वेस्टर्न है लेकिन मैं उसके अंदर इस प्रकार से साउंड वगैरह डालूंगा, इस प्रकार से इसके ऊपर राग वगैरह सब बजाऊंगा कि वो हमारे भारतीय वीणा की तरह लगे. नॉट ओनली द साउंड दैट माई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इज इम्पॉर्टेंट, जो भी साउंड मैं इस इंस्ट्रूमेंट में बजाऊंगा सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन. बल्कि यह मेरी जो विजन है यानी कि मैं सोचता हूँ, जो मेरी देखने की क्षमता है वो लोगों को बताएगा. What I want to say through the instrument, जो मैं इस instrument के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये जो मेरा गिटार है, जो गिटार है वो बताएगा. He said to himself and finally with uttering untiring effort and understanding of raag he created the wonderful Mohan Veena. तो उन्होंने अपने आप से जो ये वादा किया था और फाइनली और अंत में जो उनका अनटायरिंग बिना रुके जो उन्होंने अपनी एफर्ट की थी, जो गाय में लगे रहे और जो रागों की समझ से उन्होंने वंडरफुल यानी अद्भुत मोहन वीणा का आविष्कार किया. टुडे द वर्ल्ड नोज हिम मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट, विनर ऑफ द ट्रेनिंग अवार्ड. आज अभी लोग मोहन को पंडित विश्व मोहन भट्ट के नाम से जानते हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है. I just follow my heart beats passion and here I am. मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी, जो मेरा दिल का जो शौक था, जो मेरा शौक था उसको मैंने फॉलो किया और मैं यहाँ पर हूँ. Said Mohan at the award ceremony in 1993. तो 1993 में जब उनको अवार्ड दिया गया उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और मैंने उसी के पीछे लगा रहा और मैं यहाँ पर हूँ. ओके, तो ये जो मोहन थे वो कौन थे? पंडित विश्व मोहन भट, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया. ओके, फाइनली यहाँ पर हमारा ये लेसन कम्प्लीट होता है. इसकी ग्रोसरी है, ये आप लोगों की और ट्रांसलेशन भी लिख लेना है. क्वेश्चन आंसर्स भी नोटबुक में आपको करना है. स्वाध्याय पोथी सभी के पास होगी, नहीं हो तो ले लेना है. स्वाध्याय पोथी में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको फिलअप करना है. ओके, बाय स्टूडेंट्स.